अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मुख्तार, आप देख रहे हैं पाकिस्तान। आज हम बात करने वाले हैं कि तेल की बढ़ती हुई कीमतें आखिर कहाँ तक जाकर रुकेंगी, क्या ये कभी कम हो पाए या हम ज़्यादा से ज़्यादा इसे यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर ये बढ़ेगी। मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा था कि अभी हुकूमत तो कह रही है कि हमने काफ़ी सब फैसले किए हैं और भी करने पड़ सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, क्या होगा? जहाँ तक IMF का ताल्लुक है तो वज़ीर आज़म साहब भी कह चुके हैं कि तेल की कीमतें बढ़ाना IMF का मुतालबा नहीं था, तो इन्होंने क्यों बढ़ाया? इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर इन्होंने ऐसा किया क्यों, ये हमें देखना होगा क्यों हुआ। हम ये अब ये साफ ज़ाहिर कि होने की वजह कि ताकि कुछ ना कुछ जो पैसा है वो इनकी जेबों में भी जा सके। बाद और फिर आजकल जो लेडी इन्होंने बढ़ाई और तकरीबन 80+ बढ़ा दिया गया पेट्रोल डीजल पेट्रोल, तो अभी भी ये लेटेस्ट खबर सुनने में आई है कि IMF ने जो नई शरायत रखी है उसमें एक ये भी है कि जो लेवी है पेट्रोल पे वसूल की जा रही है हुकूमत की तरफ से, उसे 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? आप सोच सकते हैं कि महंगाई का एक तूफान आएगा। आप ये तो जानते ही होंगे कि तेल की कीमत जो है वो हर चीज़ को इफेक्ट करती है, हर चीज़ पे अपना असर रखती है। अगर तेल की कीमत बढ़ेगी तो इससे साफ जाहिर है कि सारी खुद नोश एशिया और अशिया ज़रूरिया जो है उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर ये होता तो ये हुकूमत के लिए आखिरी गलत फैसला होगा, हालांकि अब से पहले भी हुकूमत दर्जनों गलत फैसले कर चुकी है, लेकिन ये हुकूमत के लिए एक लास्ट गलत फैसला होगा, क्योंकि उसके बाद आवाम को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आवाम अभी भी खुदकुशी अभी मेरे ही है, हमें एक औरत ने अपने दो बच्चों समेत एक नहर में छलांग लगाई खुदकुशी की कोशिश की, खुदकुशी की क्या कोशिश क्या होती खुदकुशी की। तो अब ये सोच सकते हैं कि अगर और महंगाई होती तो आवाम का क्या हाल होगा, आम सड़कों पे आएंगे अपने लिए, और इस हुकूमत के लिए भी अच्छा नहीं होगा, ये हुकूमत भी बहुत ज़्यादा सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगी। और आप डॉलर की कीमत देख रहे हैं मुसलसल बढ़ रही है, रिकॉर्ड सतह पर पहुँची हुई है और अभी भी बढ़ने के चांसेस है, यही कहा जा रहा है कि ये डॉलर की जो कीमत है वो 230+ होगी। अगर डॉलर की इतनी ज़्यादा कीमत, जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं जिनमें दालें भी शामिल हैं और गंदम खाद काफ़ी शिया जरूरियाँ शामिल है, अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो इनकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर इनकी कीमत बढ़ेगी तो हुकूमत इसका क्या जवाब देगी, वो हुकूमत पर क्या असर होगा, ये तो हम आने वाले वक्त में देख सकते हैं। हम लेकिन अभी जो सीनियर तजयकार हैं, जो लोग जानने वाले हैं अंदर की खबरें रखते हैं, उनका यही कहना है कि हुकूमत अपने आखिरी जज्बे इमरान साहब हो चुकी है ऑलमोस्ट इस्टेब्लिशमेंट की, जो कभी इनके साथ गुस्से में थे। अभी उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा ना करें कि जो लेवी साफ ज़ाहिर है कि आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, कम से कम इनका कहना तो यही है। और अगर ये चाहते हैं तो लेवी तो हुकूमत को अगर लेवी बढ़ाएगी तो अपने वो क्या कहते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए बढ़ाएगी, अपनी प्रोडक्शन अपने क्या सीखेंगे जिनमें प्रॉफिट बढ़ने वाला, अपनी जो इकानमी है उसे बेहतर करने के लिए, रेवन्यू अपना रेवन्यू इकट्ठा करने के लिए बढ़ाएगी लेवी, तो क्या ज़रूरत है ये सब्जी दे दें कम अज़ कम, हालांकि इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं होना, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, ये आप सब्जी में कर दें, ये सब्जी है हमारी तरफ से आवाम को, इसका बहुत अच्छा असर होगा, शायद बहुत महत्वपूर्ण पड़ेगा। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं सोचते, अब जो ये फैसले कर रहे जो कुछ ये लोग कर रहे हैं इससे साफ ज़ाहिर है ये लोग हुकूमत को मतलब मशीन को सीख करने दिया, ना इन्हें जमहूरियत डिरेल होने का खतरा था। आपने खुरम दस्तगीर के बयान तो सुने ही होंगे, क्या चीज मंगाते हैं आपने, जो वजीर हैं खुरम दस्तगीर साहब वफाक वजीर, उनके बयान सुने होंगे कि वो लोग क्या कह रहे हैं, उनके नज़दीक ये कोई मसला नहीं था महंगाई का आ जाते थे कुछ भी ऐसा, उन्हें अपना अपना प्रॉब्लम था कि अगर इमरान कुछ अर्सा और गुजारता है तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन होंगे। यही सुनने में आ रहा था कि इमरान और एहसाब अदालतें बढ़ाएगा, एहसाब अदालतों की तादाद बढ़ाएगा और रिटायर्ड जजेस को भर्ती करके तो उनसे एहसाब का काम देगा और पाकिस्तान की मशीन ठीक करने की कोशिश करेगा जो इनके लिए ठीक नहीं था।
तो उन्होंने ये अमल किया, ये एक्शन किया, इसमें हम लोग मुख्तलिफ हजरात की सपोर्ट भी हासिल थी। इस सपोर्ट की वजह से ही तो ये लोग कामयाब हो सके। अब ये देखना होगा कि सपोर्ट करने वाले क्या सोचते हैं, आगे क्या होगा और आइंदा इलेक्शन कब हो सकता है, इसके बारे में जल्दी एक नई वीडियो आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। नई वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।